हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम मैटर की टाइप्स, उसकी क्वालिटीज, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैटर। मैटर हम उस चीज़ या उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक स्पेस को कवर करे, जिसमें मास हो और जो कोई सेंस फील करे, उसको हम मैटर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे वाटर, एयर, सॉल्ट, बुक, चेयर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, मैटर है। हैंस एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पजेस मास, ऑफर्स रेजिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस इज कॉल्ड मैटर्स। मैटर्स ऑक्यूपाइज स्पेस विच मीन्स दैट हैज़ वॉल्यूम। अगर कोई मैटर किसी स्पेस को कवर कर रहा है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ही ये होता है स्पेस को कवर करना। कोई भी मैटर की तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब है टाइप्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर हम उस मैटर को कहते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हो, वो प्योर मैटर हो गया। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इम्प्योर मैटर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, एयर। एयर में कितनी सारी गैसेस होती है, वो क्या है, इम्प्योर मैटर है। तो हमने पढ़ा कि जो प्योर मैटर होंगे वो एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, और जो इम्प्योर मैटर होंगे वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होंगे। बेसिकली मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब दो तरह की और स्टेट खोज ली गई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आपके कोर्स में तीन तरह की है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसियस फॉर्म में हैं। सॉलिड के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे लकड़ी है, स्टोन है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, चेयर है, ये सब सॉलिड सब्सटेंस हैं। लिक्विड जैसे ऑयल, घी, केरोसिन, ग्लिसरीन, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं रहती है, इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैसेस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एयर। एयर में सारी तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गैसेस फॉर्म में होती हैं। अब हम अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी एक डेफिनेट शेप होगी, उसकी शेप हमेशा फिक्स रहेगी। सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। सॉलिड्स हैव ए हायर डेंसिटी, जो डेंसिटी लेवल होता है वो हायर होगा। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। जब हम किसी सॉलिड चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, इसका मतलब ये हायर डेंसिटी के होते हैं। वहीं हम जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ है, उसकी डेंसिटी कम होती है, उसको पानी में डालने पर वो उस पर तैरती रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, उनको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम सॉलिड चीज़ों को आसानी से तोड़ नहीं पाते। डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी लेस। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट। कोई भी सब्सटेंस जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी फिक्स शेप नहीं होती है, उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। लिक्विड ऑक्यूपाई ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम रहता है।
लिक्विड्स हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस बट लेसर देन सॉलिड्स। लिक्विड्स की भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इन पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। लिक्विड्स हैव डिफ्यूजन लेस देन गैस बट ग्रेटर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट स्टेट है गैसियस स्टेट। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इनका कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ये एयर जो है वो जहाँ भी जाएगी पूरी तरह फैल जाएगी। इसका मतलब उसका ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। गैसेस की डेंसिटी भी बहुत कम होती है लेकिन इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये दूर दूर तक फैल सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव ए नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज वेरी फास्ट। गैसेज का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से फैल जाती है। तो हमने पढ़ा कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लिक्विड स्टेट में थोड़ी दूर दूर होते हैं और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में लिक्विड में कम होता है और गैसियस में सबसे कम होता है। सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस के ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कनाड थ्योरी। एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाड, जिन्होंने आइडिया दिया था कि हम मैटर को डिविजुअल कर सकते हैं। एक ऐसी स्टेट आएगी जब हम मैटर को इसके बाद में डिविजुअल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस स्टेट को नाम दिया परमाणु, मतलब एटम। इन्होंने बताया कि जब हम मैटर को डिविजुअल करते जाएंगे तो ये बहुत छोटा होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम उससे ज़्यादा उसको छोटा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम एटम कहेंगे, इसके बाद में हम उसको डिविजुअल नहीं कर पाएंगे। महर्षि कनाड के बाद एक साइंटिस्ट और आए, पाकुदा कत्यायनन। उन्होंने कनाड की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ही सेड दीज पार्टिकल्स दैट इज परमाणु, जिनको परमाणु नाम दिया गया था, वो एग्जिस्ट करते हैं कम्बाइंड फॉर्म में। और इन्होंने बताया कि मैटर कई फॉर्म में हो सकता है। वो एलिमेंट की फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में होता है और मिक्सचर की फॉर्म में भी हो सकता है। इन दोनों साइंटिस्ट के बाद एक साइंटिस्ट और आए, जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 में एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने मैटर की डिविजिबिलिटी को प्रूफ किया था और इन्होंने परमाणु को एटम नाम भी दिया था। द थ्योरी ऑफ डाल्टन वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने हमें बताया कि जो एटम होता है उसकी साइज 10^-10 होती है। द एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट एक्सेप्ट द नोबल गैसेस सच एज हीलियम नियॉन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इन्होंने बताया कि एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, इसलिए उनको कंबाइन होना पड़ता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में चार मेन बातें थी कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ होगा और ये एटम्स इंडिविजुअल होंगे। सेकंड, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। थर्ड, इन्होंने बताया कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बनता है। फोर्थ, इन्होंने बताया कि ए केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीअरेंजमेंट ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स विच आर बाउंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। जब किसी दो या दो से ज़्यादा एटम को केमिकल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा जाता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड। इन मॉलिक्यूल्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है।
और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. और कंपाउंड फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है. एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन. ये सब मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट्स. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर नॉन एज एलिमेंट्स. जब सेम टाइप के एटम से मिलकर कोई सब्सटेंस बन रहा है तो हम उसको एलिमेंट का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सल्फर, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं. किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको एटोमिसिटी कहा जाता है. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी. एग्जाम्पल एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन डाई ऑक्सीजन इज 2. डाई ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 होती है और ओजोन की 3 होती है, क्योंकि डाई ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है. नेक्स्ट है कंपाउंड. अ कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस. ये प्योर सब्सटेंस होते हैं और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. जैसे सॉल्ट का कंपाउंड है, सॉल्ट NaCl हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो Na अलग तरह का एलिमेंट है और क्लोरीन अलग तरह का एलिमेंट है. कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? सॉल्ट, वाटर, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए हम उनको कंपाउंड का नाम देते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडक्शन एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज नॉन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड. जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. ये कंपाउंड्स होते हैं. कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में हो सकता है और मिक्सचर के फॉर्म में हो सकता है. एलिमेंट्स एटम से बन सकते हैं और मॉलिक्यूल से बन सकते हैं. कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से बन सकते हैं और आयन से बन सकते हैं. कंपाउंड और एलिमेंट्स दोनों में डिफरेंस होते हैं. अ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और एलिमेंट्स में एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं. अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फॉर्मूला. कंपाउंड को उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिम्बल्स. और एलिमेंट्स को सिम्बल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे वाटर एक कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा H2O. लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं. इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, H और O से. कंपाउंड्स तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब तक जो एलिमेंट्स खोजे गए हैं उनकी नंबर है 118. नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर. A mixture is a material which consists of two or more pure substance. जब कोई दो या दो से ज़्यादा substance आपस में मिलते हैं तो वो mixture बनाते हैं. Which are not chemically combined. ये chemically combined नहीं होते हैं लेकिन physically होते हैं. Mixture में जो particles होते हैं उनके बीच में कोई भी chemical bond नहीं होता है. जैसे milk क्या है? Mixture होता है. Air mixture होता है बहुत सारी gases का, nitrogen, oxygen, carbon dioxide. टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब हम किसी दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो वे अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उनमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. जब हम इनको मिलाते हैं पानी में तो ये अच्छी तरह से घुल जाती है, इनके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. इस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं देख पाए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कॉफ़ी, चॉकलेट, टोमेटो सूप, ऑरेंज जूस, कोई भी तरह का जूस है, मिल्क शेक है,
कोल्ड कॉफ़ी है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जब हम कोई दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं घुलते हैं, उनका लेयर के रूप में वो सेपरेट रहते हैं। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट थ्रोली मिक्सड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम, देन दिस मिक्सचर इज नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने कोई भी ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो वो आपस में घुलते नहीं हैं। इसमें वाटर जो है वो नीचे होता है और ऊपर ऑयल तैरता रहता है। इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या होंगे? क्लाउड, स्मॉक, मिल्क, लाइम वाटर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऐसा मिक्सचर जिसमें हम फाइंड नहीं कर पाए कि वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और ऐसा मिक्सचर जिसमें हम आसानी से पता लगा सकें कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिले हुए हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एग्जांपल है सैलिड। सैलिड में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो किन किन से मिलकर बना है, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर। जब हम वाटर को कूल करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाता है। यहाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहता है। इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और एक नया कंपाउंड बनता है, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या होंगे? जब हम किसी कार्बन की चीज़ को जलाते हैं, जैसे हमने कोयला जलाया तो उससे जलाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो यहाँ बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कॉल क्या हो जाएगा? केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? On heating ice is changed into water, but both have the same chemical formula. जैसे हम किसी पेपर को फाड़ते हैं या फिर उसको टुकड़ों में बांट देते हैं तो यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? मेल्टिंग आइस, आइस का मेल्ट होना, चॉपिंग वुड, लकड़ी को काटना, और मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, शेडिंग पेपर। यहाँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इसलिए ये फिजिकल चेंजेस होंगे। केमिकल चेंजेस के एग्जांपल क्या होंगे? बर्निंग वुड, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जब दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा। फायरवर्क्स, रोटिंग बनाना, ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट्स। लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट कैसे आती है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड कैसे बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का। फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और वो सॉलिड वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब सॉलिड्स को ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इंटू अ लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट है
फ्यूज़न, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू गैसियस स्टेट इज नॉन एज फ्यूज़न। कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो ऐसी प्रोसेस को हम फ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी। कोई भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन एज एंथैल्पी। इसको लेटन हीट ऑफ फ्यूज़न भी कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इंटू गैस और वेपर। जब उसकी लिक्विड की वेपर और गैस में चेंजेस होना स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड इंटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम आइस को हीट देते हैं तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। जब हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है हम उसको कम टेम्परेचर देते हैं, हम उसको कूल करते हैं तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आइस में चेंज हो जाता है। इसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर्स। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में फोर्स बढ़ जाता है। इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस पहले थी वो डिक्रीज हो जाती है और वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को हाई करके हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं लेकिन लिक्विड को सॉलिड में चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। इतनी देर हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैटर को कैसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसमें बेसिकली 6 तरह की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास फिल्ट्रेशन। जब कोई दो सब्सटेंस आपस में घुले हुए हैं और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हम उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग अलग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पानी में मिट्टी को मिला दिया तो हम उनको फिल्टर करके मिट्टी को अलग कर देंगे और पानी को अलग कर देंगे। इस सेपरेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। इसमें प्योर सॉलिड्स को उनकी क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इनको डायरेक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिश्री, आपने मिश्री खाई होगी। मिश्री क्या होती है? क्रिस्टल फॉर्म में होती है। उसको शुगर के सॉल्यूशन से कंसनट्रेट करके क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। इम्प्योर कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो प्योरीफाइड बाई क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है हमारे पास सब्लिमेशन। कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट देने पर वो लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा कपूर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ उसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। और जब इनके वेपर को कूल किया जाता है, इनका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आए बिना डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जांपल्स होंगे नेफ्थलीन, अमोनियम, क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। नेक्स्ट प्रोसेस है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन।
ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब दो हेट्रोजीनियस कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। जैसे हम ऑयल और वाटर को मिला देते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें एक फ़नल की ज़रूरत होती है, एक ऐसी फ़नल जिससे हम इनको सेपरेट कर सकें। इस फ़नल को बोलते हैं सेपरेटिंग फ़नल। इस प्रोसेस को करने पे हमें क्या मिलता है, वी गेट हैवियर लिक्विड फ्रॉम द फनल देन लाइटर लिक्विड। जो हायर होंगे वो फनल पर आ जाएंगे और जो लाइटर लिक्विड होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और इस तरह हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब किसी लिक्विड में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स घुल जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। ये इम्प्योरिटीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है, जब हम इनको बॉयल करते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में ली जाती है। ऑन हीटिंग द मिक्सचर एवरी लिक्विड बॉइल्स एंड एवोपरेट्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वी पासिस द पेपर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्रैक्शनिंग कॉलम, वी गेट टू सेपरेट लिक्विड। इस तरह हम इनको सेपरेट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पढ़ी जिसमें हम कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर देंगे। फिर हमने सब्लिमेशन की प्रोसेस पढ़ी कि जैसे ही सॉलिड को हीट दिया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हुए बिना अगर गैस में ही चेंज हो जाती है तो वहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, और अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगा कपूर। जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ऑयल और वाटर को अलग अलग किया। फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अगर कोई सॉल्यूशन डिस्टिलेशन प्रोसेस के सेपरेट नहीं होता है तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मैटर, उनके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनको प्योरीफाई करने की प्रोसेस पढ़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।